गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों, आज कोई मंदिर जाना नहीं हो रहा है। आज मैं जा रहा हूँ, एक बर्ड सेंचुरियन पार्क है, तो वहाँ पे जो माइग्रेशन करके पक्षी आते हैं वो सारे पक्षी आए होंगे अभी, तो वहीं चलते हैं। कानपुर से करीब 30-35 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है, लेकिन लखनऊ से बहुत पास पड़ता है वो। स्वागत दोस्तों आपका फिर से। अभी बिल्कुल मैं उतरा हूँ यहाँ पे, एकदम आया हूँ अभी भी, और मेरे जस्ट पीछे ही है पक्षी विहार। और ये आपका जो रास्ता जा रहा है, ये लखनऊ कानपुर हाईवे है। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या सब। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार। अब मैं आ चुका हूँ पक्षी विहार में, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये है इसका मेन गेट, और ये पार्क है बाहर। और आप अपने बाइक से आए हैं, कार से आए, तो आपका स्टैंड यहीं पे ही है, खड़ी कर दीजिए। अभी चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले एक काउंटर बना हुआ है, काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट बताता हूँ कितने का मिलता है आपको। तो ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे बाइक का किराया है, जो बाइक चार्ज लगता है वो है 20 रुपये। और अगर आपके पास कोई कैमरा है तो कैमरे के चार्ज लगते हैं 500 रुपये। मोबाइल का कोई चार्जेस नहीं है, और पर व्यक्ति लगते हैं 30 रुपये एंट्री फीस। और अगर फॉरेनर कोई है तो उसका फीस है 350 रुपये। तो ऐसा कुछ चार्जेस है यहाँ पे। और कानपुर से करीब ये 45 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ से तो 20-25 किलोमीटर की दूरी है। आप आ जाइए यहाँ पे। अभी जो चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको उनके आगे कौन कौन से पक्षी आए हुए हैं। ये है आपका एंट्री गेट, और यहाँ से आप एंटर करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ शुरुआत है आपका पक्षी विहार का। और यहाँ पे ठंडी के मौसम में पक्षी आते हैं बाहर कंट्री से यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से पक्षी आते हैं वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और पक्षियों की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये सारे पक्षी आते हैं माइग्रेट होके यहाँ पे। बहुत ही घना जंगल है ये, और अभी तो एंट्री में करने में तो और चार जंगल दिख रहा था। वहाँ चलते हैं दोस्तों, सामने कुछ दिखाई दे रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। मैं ये फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे पक्षी विहार में। काफ़ी घना जंगल है अगल बगल में, और लोग आए हुए यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ। अच्छी जगह तो लग रही है फ़िलहाल, अभी तक तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पक्षी दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतनी दूर आया हूँ मैं। मुझे आने में लग गए यहाँ पे 2 घंटे बाइक से। और अभी देखते हैं आगे, एक तालाब दिख रहा है आगे। तालाब में दिखाई दे तो रहे पक्षी, अब देखते हैं आगे जाके, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। पक्षी तो हैं सामने, आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे को दिख रहे हैं, वो तैर रहे हैं वहाँ पे। और इस साइड भी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं ये वॉच टावर पे। यहाँ से ऊपर से शायद आपको दिखाई दे देगा, वहाँ से भी अच्छा मिलेगा पक्षी को देखने के लिए। सामने तालाब दिख रहा है, यहाँ ऊंचाई से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और पक्षी नहीं दिख रहे होंगे आपको अभी, लेकिन बहुत सारे पक्षी हैं जो पानी में बैठे हुए हैं, वो उधर उड़ भी रहे हैं बहुत सारे। और जहाँ तक ये पानी दिख रहा है वहाँ तक पूरा ये बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्क भी बहुत सारे बने हुए हैं, बैठने के लिए भी है, और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है बहुत। और सारे पक्षियों के नाम और फ़ोटो भी हैं यहाँ पे, कौन कौन से पक्षी आते हैं। ये एक छोटा सा झील है,
यहाँ भी पक्षी हैं अभी, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि एक आप तो एक हाईटेक बाइनोकुलर्स लेके आइए और एक अच्छा सा कैमरा लेके आइए। मोबाइल कैमरे से तो काम नहीं बन पाएगा यहाँ पे, एक अच्छा कैमरा लेके आइए या बाइनोकुलर लेके आइए, क्योंकि पक्षी जो हैं काफ़ी दूर दूर पर हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों मतलब मना है, तो अगर आप करते हो तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा जितनी देर यहाँ पर रहेंगे उतनी देर के लिए। चील सामने दिख रहा है काफ़ी अच्छा सा। सबसे अच्छा तो ये जो लखनऊ में रहता है उनके लिए तो बहुत पास में पड़ेगा ये, उसकी से 25 किलोमीटर की दूरी होगी लखनऊ से, कानपुर से करीब करीब 45 किलोमीटर है ये। तो अगर आप कानपुर सेंट्रल से आ रहे हैं तो फिर तो आपका 30 रुपये लगेगा यहाँ तक के आने के लिए। बस में बैठ जाइए आप, 30 रुपये में पहुँच जाएँगे। और बाकी का जो पक्षी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन आपको देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो बाहर निकल के आएंगे, और थोड़े दूर दूर पे हैं। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, देखिए कितने सारे पक्षी हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप जब सीधा एंट्री करेंगे तो सामने जो झील है वहाँ पे पक्षी नहीं दिखाई देंगे आपको ज़्यादा, आपको झील के पीछे आना पड़ेगा। सारे देखिए कितने सारे पक्षी हैं ये सारे, क्योंकि उधर झील के सामने क्या है पब्लिक आती जाती रहती है तो पक्षी दिखते नहीं है वहाँ पे, तो सब पीछे आगे बैठे हुए हैं। तो आपको ये पक्षी देखना हो तो पीछे आइएगा, यहाँ से देखिए आपको और अच्छा व्यू मिल रहा होगा। और वो पेड़ के ऊपर देखिए बैठा हुआ एक फॉरनर पक्षी है, अब नाम तो मेरे को नहीं पता, शायद ये गलती से किनारे आ गया है खाना खाने के लिए। देखिए ये भी एक पक्षी है जो बाहर से आया हुआ है, अजीब टाइप का है कुछ।